हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि बढ़िया हो गए। तो भाई आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था और सीधा मिल रहे हैं आपसे हम लोग मिर्ज़ापुर में। और प्लान बना अचानक से, कोई हम लोग इंट्रो वगैरह कुछ नहीं शूट किए, बस निकल गए घर से मैं और अमन साथ में। तो भाई अभी बारिश हो रहा था तो मैंने गोप्रो का पूरा सेटअप निकाल करके सिर्फ गोप्रो को ना माउंट किया हुआ है, तो हो सकता है वॉइस थोड़ी कम जा रही होगी, बट ऐसे क्या है ना कि पूरा व्यू दिखाते हुए चलूँगा। बारिश में हम लोग को रुकना नहीं पड़ेगा, गोप्रो को मतलब ज़्यादा सेफ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो राजदरी, देवदरी, पूरा लखनिया दरी, यहाँ से 10 किलोमीटर है और बादल भी चमक रहा है भाई। अभी फिर से मौसम पूरा बन रहा है और इस वाले लेन पे पता नहीं क्यों जाम लगा पड़ा है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। चलो आप लोग व्यू देखो, जहाँ जहाँ सही मौसम रहेगा ना वहाँ पर लोग रुक करके पूरा प्रॉपर आपको दिखाएंगे। ठीक, तो गाइस इधर आप हिली व्यू देखो पूरा भाई, और ऊपर बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी पीछे बैठा हूँ। अमन ड्राइव कर रहा है और मैं मस्त पीछे बैठ के शूट कर रहा हूँ और पता नहीं क्यों गोप्रो हैंग कर रहा है कुछ दिनों से। इधर देखो ये माउंटेन है, पूरे बादल देखो, मतलब बरसने को पूरे तैयार हैं ये बादल। यही खूबसूरती होती है भाई पहाड़ों की और नेचर की। तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो ये फ्रंट का व्यू है, फ्रंट का व्यू आप लोग एंजॉय करो। मस्त अपनी बुलेट डुक 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 करके चल रही है, बस कहीं पे स्टॉप वगैरह कुछ नहीं लेंगे हम लोग, बस चलते जाएंगे भाई, चलते जाएंगे जहाँ तक गए ना, मतलब बहुत दूर नहीं निकल जाएंगे भाई, लेकिन मस्त आपको व्यू दिखाते हुए चलेंगे, खुद भी इंजॉय करेंगे। देखो ये सामने है साइलेंट लेक, इस रेस्टोरेंट के पीछे ये वाला, ये साइलेंट लेक दिख रहा है आपको सामने। तो गाइस व्यू देखो और बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है भाई। मन खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया ऐसा व्यू देख के। और ये सामने वाला व्यू तो और प्यारा है, अभी हम लोग ऊपर चलेंगे ना तो वहाँ से व्यू देखना। फिर जगह जगह रुक करके लोग ना पूरा मॉनसून का मज़ा ले रहे हैं भाई। अभी वाटरफॉल वगैरह चालू नहीं हुआ है, वाटरफॉल में पानी वगैरह नहीं है क्योंकि वो साफ दिख जाता है, वरना इधर कहीं ना कहीं से बहता रहता है पानी। फिलहाल कुछ ऐसा व्यू है, भाई अपना ड्राइविंग कर रहा है और इधर ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इस साइड भी देखोगे तो बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। और ये रास्ता आपका सीधा चला जाएगा शक्ति नगर, यानी कि आप निकल जाओगे MP। काफ़ी ज़्यादा नीचे देखो वो सामने ना सुंदरिया दरी है, अभी बहुत हल्का हल्का पानी आ रहा है, दिख रहा है कैमरे में, आपको नहीं दिख सकता क्योंकि आग से भी बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई, तो कैमरे में क्या दिखेगा। मैं बहुत दूर देखोगे तो वहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ से पानी गिर रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर से नहीं आ रहा है, फिर भी गिर रहा है पानी तेज़ी से। तो यानी कि 1 से 2 दिन में आपको प्रॉपर पूरा भीड़ देखने को मिलेगा। मॉनसून आ ही चुका है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मस्त आ सकते हो आप घूमने के लिए, आप प्लान कर सकते हो अगर वाराणसी से हो तो भी, प्रयागराज वगैरह से हो तो भी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये सारी लोकेशन। श्री बैजू बाबा तपस्थली, चलो चलते हैं, पहली बार हम लोग चल रहे हैं। रास्ता तो भाई देख सकते हो आप, भाई एक नंबर में चलना। तो जैसे देखो ना थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब 20 रुपये मिनिमम है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये मिनिमम लिया जा रहा है बाइक वालों से। ये सारे रास्ते जो है ना ये बनेंगे उससे, तो हम लोग भी अभी चल रहे हैं, देखते हैं कैसा है आगे, क्योंकि पहली बार हम लोग भी चल रहे हैं ऐसे ही। जैसे देखोगे ना श्री बैजू बाबा धाम, नीचे वाटरफॉल है भाई, हम लोग को देख भी रहे हैं, ऐसे सीढ़ियों से होकर के जाना है। बाकी सामने आप पूरा व्यू देखो ना तो खाई जैसा है, और सामने सुंदरिया दरी वाटरफॉल दिख रहा है। ठीक है तो चलो अभी नीचे चलते हैं, हम लोग भी देखते हैं नीचे क्या कुछ चीज़ें। और पैर ना काफ़ी गंदा हो रखा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है पैर। और तो गाइस पूरा ऐसा कुछ ये प्यारा सा वाटरफॉल है और यहाँ पे देख सकते हो ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, और पहली बार हम लोग आ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक वाटरफॉल है ये। हालांकि अभी पानी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट आप देख सकते हो सामने हल्का हल्का पानी गिर रहा है, सब लोग मस्त नहावा रहे हैं। और इधर सामने देखोगे ना तो बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। तो गाइस जगह तो काफ़ी सही है, बट यहाँ पे अभी कुछ काम की ज़रूरत है, जैसे कि रोड नहीं है उसको बनवा दिया जाए, दूसरी चीज़ ना थोड़ा वाटरफॉल के पास ना सेफ्टी पर्पज़ से चीज़ें बन जाएंगी ना तो जगह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अरे पहली बार मैं आया यहाँ पे
ठीक लगा जगह, बहुत बड़ा जगह तो नहीं है बट अच्छा है। तो ये जो जगह थी ना, ये लखनिया दरी हिल्स के पास ही है, थोड़ा सा आगे आने पे है। सूरज हुआ मधुम चांद जलने लगा आश्रम, श्री परमहंस खप्पर बाबा आश्रम 4 किलोमीटर यहाँ से है। आते टाइम हम लोग इस वाले रास्ते से आए थे, ये जाने वाला रास्ता ना बहुत बेहतरीन है भाई। ओ भाई ट्रक पलट चुकी है, भाई खतरनाक। भाई क्या मस्त व्यू है, क्या तगड़ा व्यू है भाई। तो गाइस अभी हम लोग सामने रुके हुए थे और यहाँ से आप व्यू देखो, वो वाटरफॉल दूर दिख रहा है, देखो ना एक बार जूम करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये वाटरफॉल है। अभी हम लोग यहाँ से हो करके आए हैं, हालांकि इस वाले वाटरफॉल को हम लोग नहीं देखे थे, एक्चुअली मेरे हाथ पे फोकस कर दिया, बट ऐसा कुछ ये व्यू है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है और काफ़ी दूर है वाटरफॉल, लेकिन ऐसे ना मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको पास लग रहा होगा। और ऐसा कुछ यहाँ पे रास्ता है, देख सकते हो आप पहाड़ों से होकर के, ऐसे कुछ ऊंचाई से होकर के रास्ता जा रहा है, ऐसे ही करके निकल खूबसूरत है। तो ये फ़ायदा होता है भाई पहाड़ों के बीच आने का। यहाँ पे अपनी बुलेट और भाई साथ में आया है कैमरा वगैरह, यहाँ पे हम लोग रख के मस्त यहाँ का व्यू इंजॉय कर रहे हैं। कभी व्यू देख लो आप, बहुत पहले हम लोग आए थे ना 2 साल पहले साइलेंट लेक के पास, हम लोग मस्त मैगी वगैरह बनाए थे और खाए थे और उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी थी भाई। तो गाइस ऐसा कुछ अपना प्लान था, ये पीछे आप वाटरफॉल देख सकते हो यहाँ से दिख रहा है, और हम लोग आज मस्त इन्जॉय किए हैं भाई। धूप एकदम नहीं है, हल्की हल्की बारिश भी रास्ते में मिली, बट अभी बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत बारिश मिल जाता अगर ना तो मज़ा आ जाता भाई। और पीछे ऐसा कुछ ये रास्ता है, ऐसे कि हम लोग आए थे यहाँ पे और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है और मस्त हम लोग वीडियो वगैरह बना करके इन्जॉय कर करके मतलब चल रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। चल ओ भाई ये देख ना, आ जा इधर बाइक लगाते हैं फिर सामने का व्यू दिखाते हैं। गाइस यहाँ फोटो अच्छी आएगी, यहाँ पक्का अच्छा आएगा। ये है व्यू सामने का और ये फ्रंट में आपके साइलेंट लेक, ये क्लाउड जो है ना इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो एकदम एकाएक टर्न हुआ है भाई, अगर 4-व्हीलर वगैरह से आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। फिर देख रहे हो टर्न कितना खतरनाक है, और ये ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं। चलो वाह जय बजरंगबली, देखो